हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने चाहूंगा कि अगर आपका क्यूब इस तरह से अगर टूट गया है तो आप इसको किस तरह से इसे जोड़ सकते हैं। चलिए जा रहे हैं, ये रहा हमारा क्यूब टूटा हुआ। अब इसको हम जोड़ना है। सबसे पहले हम लोग ग्रीन से स्टार्ट करेंगे, तो ग्रीन के लिए हम लोग पहले ग्रीन और व्हाइट ढूंढना है। ग्रीन और व्हाइट हम लोग मिल जाए, ये रहा देखिए ग्रीन व्हाइट मिल गया। उसके बाद हम पहले मिडिल हमको प्लस बनाना है, उसके बाद ग्रीन और रेड ढूंढना है। ये रहा ग्रीन और रेड, ग्रीन और येल्लो, ग्रीन और येल्लो ढूंढना है। इसके बाद उधर ग्रीन और ऑरेंज, ये रहा ग्रीन और ऑरेंज। ग्रीन व्हाइट और ऑरेंज ये लग जाएगी, एक क्लियर कंप्लीट। इसका इस तरह से कर लीजिए, उल्टा इसे यहाँ पर लगा दीजिए। जैसे कि हम लोग का ये मिडिल पॉइंट का है, ये मिडिल के लिए हम लोग का वाइट और रेड है, ये वाइट और रेड ये रहा। ये सिंपल फिर से एक प्लस बनाना है। प्लस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये बीच बीच वाला चाहिए ऑरेंज, ये देखिए आप इसको खोल दीजिए, ये सबसे अच्छा रहेगा। ये देखिए मैंने इसको खोल लिया है, तो साइड में रखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग को मिडिल लगाना है ब्लू ऑरेंज। ऊपर में केवल ब्लू है तो आप जान जाइए ऊपर ब्लू ही लगेगा। ये देखिए हम लोग को ब्लू वाइट मिला, ब्लू वाइट इस साइड है, ब्लू रेड, ब्लू रेड इस साइड है, फिर ब्लू येल्लो मिला है, ब्लू येल्लो इस साइड है। अब इसके बाद इसको लगा दीजिए, ये येलो ब्लू और रेड बोल रहा है। इसको आप यहाँ पे इस तरह से ऊपर से ऐसे करके स्लाइड करके ले जाइए नीचे, इस तरह से ये लग गया। इसे इसको लगाना है वाइट रेड और ब्लू, वाइट रेड ब्लू यहाँ पे है, ये पे लग गया ब्लू येलो और ऑरेंज यहाँ पे है। फिर हम लगा देते हैं